दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12 सितंबर को होने वाले छात्र संघ के चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार के लिए छात्र संघों ने पूरी तैयारियां कर ली है। छात्र संगठनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। वहीं इस बार कुछ संगठनों ने छात्राओं पर दांव खेला है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू हो गया है, जबकि चुनाव 12 सितंबर को होगा। चुनाव प्रचार के लिए छात्र संगठनों ने कमर कस ली है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिस पर देश भर की नजरें लगी रहती हैं। डूसू की राजनीति भी अब जातिवाद से अछूती नहीं रही है और यहाँ के चुनाव में अक्सर इसका साफ असर दिखाई भी देता है। इसी कड़ी में सभी छात्र संगठनों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। ऐसा पहली बार है कि जब अध्यक्ष पद पर चार उम्मीदवारों में से तीन छात्रा हैं। ये छात्राएं चेतना त्यागी, दामिनी कैन और रोशनी हैं। इस बार डूसू में अध्यक्ष पद पर चार, उपाध्यक्ष पद पर पांच, सचिव पर तीन और संयुक्त सचिव पद पर चार उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सचिव पद पर कोई छात्रा चुनाव नहीं लड़ रही है। हालांकि पहले इस पद पर चुनाव लड़ने के लिए लगभग सभी संगठन एक छात्रा का नाम जरूर रखते थे। बता दें कि इस बार सबसे कम उम्मीदवार सचिव पद के लिए है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई ने अपने अपने पैनल घोषित कर दिए हैं। दोनों बड़े संगठनों ने कुछ पदों पर युवतियों को भी मौका दिया है। दोनों ही संगठनों के पैनल में एक बार फिर से जाट और गुर्जर समीकरण हावी है। एबीवीपी ने जहां दो जाट, एक गुर्जर और एक पंजाबी राजपूत को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं एनएसयूआई ने एक जाट, एक गुर्जर, एक ब्राह्मण और एक एससी को चुनावी समर में उतारा है। दोनों ही संगठन अपने चुनावी मुद्दों को लेकर उतरे हैं। क्या है इनके मुद्दे, आपको सुनाते हैं। इस बार के कॉलेज इलेक्शन के मुद्दे क्या हैं आपके कॉलेज? भाई साहब, कॉलेज इलेक्शन के जो मुद्दे होते हैं वो वाटर का इशू होता है, पानी का इशू होता है कॉलेज कैंपस में। हम मांग कर रहे हैं कि जो गरीब छात्र हैं उनके लिए हॉस्टल भी बनाए जाएं कॉलेज कैंपस में। गर्ल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गर्ल्स को लेकर क्या मुद्दे हैं इस बार के इलेक्शन में? इस बार मतलब पहले भी यही मुद्दा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन वैसा हमें देखने को नहीं मिलता। लास्ट ईयर एबीवीपी लेड डूसू ने ऑर्गेनाइज करवाया था मास्टर शिफू जी के साथ में मिलकर सेल्फ डिफेंस कैंप, तो वही चीज़ हम प्लान कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी के अलावा कॉलेज लेवल पर भी वो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे कराएं। क्या लगता है कि आपको आने वाले चुनाव में जो एबीवीपी है वो किन किन मुद्दों पर खरी नहीं उतर पाई है, जो इस बार एनएसयूआई को अगर मौका मिलता है तो खरी उतरेगी? उन्हें तो अपने बजट से 26 लाख के बजट में 22 लाख का चाय पी लिए, तो इससे ज्यादा और क्या सोच सकते हैं एबीवीपी के बारे में। एक तरफ जहां अलग अलग संगठन के लोग अपने मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कॉलेज से जुड़ी कुछ समस्याएं बताई। तो हमारे मुद्दे हर साल से ही होते हैं कि वाटर की फैसिलिटी, वाटर की जो कंडीशन हमारे वाटर कूलरों की जिस हिसाब से, और हॉस्टल की मांग करते हैं हर साल से। इस कॉलेज में गर्ल्स के मुद्दे जो मेन, मैं 3 साल से देखती आ रही हूँ, सबसे पहले तो सैनिटरी नैपकिन मशीन सबने लगवाई है, सबने अपनी नेतागिरी करने के लिए लगवाई, लेकिन वो कभी रिफिल नहीं हुई है यहाँ पे, और अगर लगवाई भी है तो वो ऐसी हालात में लगवाई है कि वो चलती नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए दो बड़े संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई ने अपने अपने पैनल घोषित कर दिए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के लिए अक्षित, उपाध्यक्ष पद के लिए प्रदीप तंवर, सेक्रेटरी पद के लिए योगिता राठी और जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए शिवांगी करनाल का नाम तय किया है। वहीं एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए चेतना त्यागी, उपाध्यक्ष पद के लिए अंकित भारती, सेक्रेटरी पद के लिए आशीष लांबा और जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए अभिषेक को मैदान में उतारा है। हमारे संवाददाता संदीप भाटी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे, वहां पर उन्होंने एबीवीपी के जोनल सेक्रेटरी से बातचीत की और जाना कि इस बार छात्रों के क्या मुद्दे हैं, पहले के मुकाबले मुद्दों में क्या बदलाव आए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है, जिसके बाद से ही देश भर की नज़रें दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि
देश का हर बड़ा नेता कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से होकर गुजरता है। पहले की अगर बात की जाए तो अरुण जेटली हो या अजय माकन या अलका लांबा, सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से देश की राजनीति तक पहुंचे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ संदीप भाटी, जनतंत्र टीवी।